के अजीम और जलाले बाबरकत नाम में हम सबकी सलामती हूँ। आए हम सबसे पहले दुआ करेंगे, खुदावंद की कुव्वत को और खुदावंद की हुजूरी को मांग लेंगे, क्योंकि जब खुदा बोलता है तो आसमानी बाप जो भी बोलता है वो आपके लिए जो है ब्लेसिंग का डे हो जाता है। हालेलुया। और आज जैसे कि आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग वर्ल्ड पार्ट टू जो है, और गुड मॉर्निंग वर्ल्ड का जो एपिसोड है वो एपिसोड नंबर 4 देख रहे हैं आप। खुदावंद आप सबको बहुत ही ब्लेस करें। तो आए हम खुदावंद के कलाम में से जो है वो सीखेंगे। सबसे पहले मैं आप सबके लिए दुआ करूँगी। इस वक्त जितने भी लोग जो है अपनी जॉब पर जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं या किसी भी जगह पर जा रहे हैं, हमारा ईमान है कि खुदा जो है वो आपकी लाइफ में आज बड़ा काम करने को है। आमीन। आज कहें, अपना हाथ उठाएं और कहें कि खुदावंद मेरी लाइफ में आज बहुत बड़ा काम करने को है। आज कहें अपने खुदा से कि खुदावंद आज आप मेरी लाइफ में बहुत बड़ा काम करने को है, और आज आप मुझे जो है वो क्या करेंगे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेंगे। खुदावंद हम चाहते हैं कि हम दूसरों की मदद करें, कहें खुदावंद से, क्योंकि खुदा जो है आपको वसीला बनाएगा कि आप जो है उसके कलाम को आगे पहुँचाएँ। खुदावंद आपको वसीला बनाएगा कि आप ऐसे लोगों के पास जाएँ जो बीमार है या परेशान है या किसी तकलीफ में है, खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। आमीन। आए हम दुआ करते हैं। कदूस 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 जिंदा आसमानी बाप, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप। मैं आज इस वक्त के लिए, इस पल के लिए और खुदावंद आज की सुबह के लिए खुदावंद, जब लोग खुदावंद आपके कलाम को सुन रहे हैं तो वापस मानी आपकी कुदरत को मांग लेती हूँ, आपके जोर को मांग लेती हूँ, आपकी कुव्वत को मांग लेती हूँ। बाप हम पर रहम कर, खुदाए कदूस रहम कर, एक एक जिंदगी पर रहम कर, खुदा बाप रहम कर, अपने चुनाव के लिए इस्तेमाल कर खुदावंद, एक एक छोटे से लेके बड़े तक खुदावंद हर एक को अपने चुनाव के लिए इस्तेमाल कर। खुदा बाप सुनने वाली एक एक जान को बरकत दे इनकी जिंदगियों में खुदावंद, ये इस प्रोफेसी को सील करने वाले बने यीशु के नाम से खुदावंद, इन्हें बरकत दे खुदा बाप, इन्हें किसी चीज़ की कमी ना होने देना यीशु के नाम से। आमीन। खुदावंद जो है वो आप सबको बहुत ज़्यादा ब्लेस करें। आप जैसे भी जानते हैं कि आज जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉर्निंग शो का जो है वो शूट कर रहे हैं, और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आसमानी बाप ने हमें जो स्टूडियो मुहैया किया है, और अभी भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे ईमान है कि आसमानी बाप जो है वो सारी चीज़ों को पूरा करेगा हमें, क्योंकि वो जोरा है, क्योंकि वो कादर है, क्योंकि वो कुव्वत वाला है, क्योंकि वो चला लिया। हालेलुया। आए हम खुदावंद के कलाम से देखेंगे मदद के लिए इल्तिजा। क्या लिखा हुआ है? मदद के लिए इल्तिजा, सबूर 130। आज अगर आप जो है वो खुदा की तरफ से मदद चाहते हैं तो आए आज हम जो है वो खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि खुदा हमारी कैसे मदद कर सकता है। हालेलुया। जब खुदा मदद करता है तो खुदा अपने आसमान को खोल देता है। आमीन। आज कहें, हाथ उठाएं कि खुदावंद ने मेरे लिए अपने आसमान को खोल दिया, कहें कि खुदावंद ने मेरे लिए अपने आसमान को खोल दिया, और खुदावंद ने मुहैया कर दिया, क्योंकि वो यहोवा यानी है वही मुहैया करता है। आमीन। जब बनी इसराइल जो है वो निकल रहे थे तो क्या हुआ था, जो मिस्री लोग थे, जो फराउन था, उसने जो है बहुत ज़्यादा जो है रुकावटें पैदा की और बहुत ज़्यादा जो है वो उनके खिलाफ था। लेकिन जहाँ खुदा होता है, जब खुदा अपने लोगों के साथ होता है, तो खुदा अपने लोगों को बचा लेता है। और खुदा ने बनी इसराइल को कैसे कैसे बचाया था, समुंदर के दो हिस्से कर दिए, हालेलुया, और अपने लोगों को उसमें से निकाला था। हमारा खुदा जोरावर है, आपका और मेरा खुदा जो है वो बहुत जोरावर है, वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते। हमें हमारा ईमान है कि हमारे चैनल को जो है हमने जो है वो सेटेलाइट पर लेकर आना है, उसके लिए भी खुदा जो है वो अपने आसमान को खोल रहा है। हमारा ईमान है कि खुदा जो है वो अपने जलाल को, अपनी कुदरत को जो है वो नाज़िल फरमा रहे हैं। आमीन। और हम जो है वो खुदावंद के कलाम में से देखेंगे, कलाम मुक़द्दस में जो है वो लिखा हुआ है मदद के लिए इल्तिजा। अगर हम परेशान हैं तो खुदा हमारी मदद कैसे कर सकता है? ऐ खुदावंद, मैंने गहराओं में से तेरे हजूर फरियाद किया, यानी कि मैंने गहराओं में से तेरे हजूर फरियाद की है, सिर्फ उसी की हजूर फरियाद की है, कह रहे हैं कि ऐ खुदावंद मेरी आवाज़ सुन ले, खुदावंद मेरी आवाज़ सुन, मैं जो कह रहा हूँ खुदावंद उसे सुन। हालेलुया। आज कहें खुदा से कि खुदावंद मैं जो कह रही हूँ मेरी दुआ को सुन ले, खुदा बाप जो मैं कह रहा हूँ मेरी दुआ को सुन ले। बच्चे भी अपना हाथ उठाएं और कहें कि खुदा बाप हमारी दुआ सुन ले और हमारे खुदाने को ब्लेस करें। हमारे खुदावंद
ब्लेस करेंगे। ऐ खुदावन, अगर तू बदकारी को हिसाब में लाए तो ऐ खुदावन कौन कायम रह सकता है, यानी कि अगर खुदा बदकारी को हिसाब में लाए तो कोई कायम नहीं रह सकता, लेकिन खुदा जो है वो आपसे मोहब्बत रखता है, खुदा मुझे से मोहब्बत रखता है, इस वास्ते खुदा जो है हमारे बहुत सारे खुदाओं को जो है वो हमारे पीछे फेंक देता है, बैक में फेंक देता है और उनको जो है वो मुड़ कर भी नहीं देखता। हमारे लिए हमारे खुदा का आपको और मेरा खुदा जो है वो जोरावर है, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो कुदरत वाले हैं, वो जलाली है, वो जोरावर है, वो आज आपको भी कुवत से भर रहा है, वो आज आपकी ज़िंदगी में भी एक नया काम करने वाला है। आए अपने खुदा से कहें कि खुदा मैं चाहता हूँ कि आज मेरी ज़िंदगी में नया काम हो। आए कहें कि आसमानी बाप मैं चाहता हूँ कि आज मेरी ज़िंदगी में नया काम हो, आसमानी बाप मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में नया काम हो। और खुदा आपकी लाइफ में आज बड़ा काम करने को है, खुदा मंद आज आपकी लाइफ में बड़ा काम करने को है, खुदा आज आपको जो है अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करने को है, खुदा आज आपको जो है वो एक बड़े प्लान के लिए इस्तेमाल करने को है। आए कहीं आमीन और खुदा के नाम को रोशन करते जाए, खुदा के कलाम को आगे पहुँचा जाए, क्योंकि उसका कलाम जो है वो हमें जोर से बढ़ देता है, उसका कलाम जो हमें कुवत से बढ़ देता है, खुदा का कलाम जो है वो हमें जो है नया कर देता है। अगर हम देखें तो मसीह चाल चलन कैसा होना चाहिए, उनको याद दिला कि हाकमों और इख्तियार वालों के ताबे रहें, यानी कि हमें जो है वो ताबे रहना होता है और हमें किनके ताबे रहना होता है, हाकमों और इख्तियार वालों के भी, लेकिन सबसे बढ़ के खुदा के ताबे रहें। जब हम खुदा के ताबे रहते हैं तो खुदा हमें जो है वो हमारी मदद के लिए आ जाता है, उस वक्त भी मदद के लिए आ जाता है जिस वक्त हम परेशान होते हैं, उस वक्त भी मदद के लिए आ जाता है जिस वक्त हमें समझ नहीं आती कि हम क्या करें। हालेलुया, खुदा मतलब सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे और खुदा जो अपने चलाए के लिए हम सबको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, और आज का दिन आपके लिए जो है वो बहुत ही बरकत हो। अगर आप चैनल के लिए जो है वो कुछ भी अपनी जो है वो ब्लेसिंग्स ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ज़रूर करें अपनी हदिया जान, और हमारा जो है वो जैस कैश अकाउंट जो है वो नीचे दे देंगे, ताकि हम जो है वो मिलकर सब एक होकर जो है वो खुदा की कलाम को दुनिया तक पहुँचाने वाले बने। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।